इस अब तक गोकुलधाम सोसाइटी के मेंबर्स को मात्र डाउट था कि अब्दुल किसी न किसी मुसीबत में है, लेकिन अब टप्पू सेना को इस बात की वो डाउट हो चुका है कि हो ना हो अब्दुल सच में किसी न किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। क्योंकि अब्दुल का अचानक से अपने दुकान के सामान पर 50% डिस्काउंट देना और उनकी आंखों में आंसू इस बात की ओर साफ साफ इशारा करता है कि अब्दुल भाई किसी न किसी मुसीबत में है। और इसी के सॉल्यूशन के लिए समय पर टप्पू सेना पहुंच चुकी है अपनी दुकान पर, यानी कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक पर। लेकिन गाइस यहाँ पर टप्पू सेना ने एक और बात से पर्दा उठा दिया है, वो पर्दा कोई और नहीं बल्कि बाबरी का है, बाघा, जो कि अब तक बिल्कुल सही कह रहा था कि बाबरी सच में दुकान में नहीं है। लेकिन उसी समय पर बाबरी दुकान में आ जाती है और ठीक इसके बाद टप्पू सेना आ जाती है, जिसके बाद कि टप्पू सेना बाबरी को हेलो बोलती है और ये बात जेठलाल जो कि वीडियो कॉल पर है सुन लेता है। अब गाइस सिंपल सी बात है कि जेठलाल ने बाघा से दुकान के टाइम पर बाबरी को दुकान में आने से मना किया है, बट इसके बावजूद बाबरी दुकान में आ चुकी है। वेल दोस्तों यहाँ पर बाघा ये बात तो समझा देगा, लेकिन एक्चुअल मैटर अब्दुल का है कि आखिरकार अब्दुल ये सब क्यों कर रहा है।